गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं आपका बालिक। तो अगर आपकी बाइक भी भाई लो माइलेज दे रही है तो हो सकता है कि जो मैं 10 कारण आपको बताने वाला हूं उनमें से एक कारण आपकी बाइक में भी हो लो माइलेज का। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला जो लो माइलेज का कारण है वो लैक ऑफ रेगुलर सर्विस, जिसमें ऑयल चेंज इंक्लूड है, एयर फिल्टर इंक्लूड है, ठीक है, आपके स्पार्क प्लग कुछ इंटरवल के बाद होना वो नहीं करवाते हो, तो ये चीज़ें सारी वही इफ़ेक्ट करती हैं आपकी लो माइलेज में। और ऑयल चेंज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हो सकता है जो आप 5,000 रुपये जो सर्विस निर्धारित है करवानी वो आप करवाते हो 7,000 रुपये 8,000 रुपये, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है। एयर फिल्टर भाई हमारे इंडियन रोड्स हैं डस्ट से भरे हुए हैं, ठीक है, तो एयर फिल्टर अगर चौक हो गया ना, चाहे आपने बाइक अच्छी मेंटेन कर रखी है, ऑयल भी चेंज कर रखा है, एयर फिल्टर आपका चौक है, तो भाई माइलेज अच्छी नहीं मिलने वाली। तो ये सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। रेगुलरली उसको सर्विस करवाएं, एयर फिल्टर चेंज करवाएं, और उसका जो स्पार्क प्लग अगर चेंज होना तो चेंज करवाएं टाइमली। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण रहता है लो माइलेज का वो है भाई टायर प्रेशर। और आज नोट कर लो, पेन कॉपी लेके ना नोट कर लो, जो रिकमेंडेड टायर प्रेशर है मेटियोर का फ्रंट टायर में 32 है, पिछले टायर में 32 है। आसान रख लो 32 32, बट कंडीशन एक है, अगर आपकी बाइक लोडेड है पिलियन के साथ जा रहे हो या लद्दाख जा रहे हो, उस टाइम आपने सिर्फ पिछले वाले टायर में, रियर टायर में बोल रहा हूँ, 36 PSI रखना है, अगले में 32, पिछले में 36। अगर आपकी बाइक लोडेड है, डबल पिलियन के साथ चल रहे हो, लगेज के साथ चल रहे हो, तो 36 PSI रख सकते हो। अगर आप अकेले चलते हो 32 32, ठीक है, टायर प्रेशर यही मेंटेन करके रखो, ना ज़्यादा रखनी है ना कम रखनी है। अगर आपने अच्छी माइलेज लेनी है तो 32 32 PSI दोनों, लोडेड 36 याद रखने वाली बात, ठीक है, माइलेज आपको अच्छी मिलेगी। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि आपकी राइडिंग जो हैबिट है ना, आप किस तरह की राइडिंग करते हो। आप अग्रेशन से राइडिंग करते हो, बिना मतलब के एक्सीलेटर दे रहे हो, ठीक है, उसको, और अननेसेसरी ब्रेकिंग, ठीक है, ये बहुत, दोनों फैक्टर बहुत ही इम्पैक्ट करते हैं आपकी माइलेज को, ठीक है। अगर आप अननेसेसरी ब्रेकिंग कर रहे हो, अननेसेसरी एक्सीलेट कर रहे हो, तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा आपकी लो माइलेज को, ठीक है। और खासकर गर्मियों में तो अगर आप एक्सेसिवली कर रहे हो, एक्सीलेट कर रहे हो, तो इससे बाइक आपकी हीट भी होगी, ठीक है, लो माइलेज तो मिलेगी, आपकी बाइक भी आपको हीट ज़्यादा फेंकेंगी। और नेक्स्ट जो कारण है भाई जो लो माइलेज का, वो है ओवरलोडिंग। ऐसी एक्सेसरीज जो आपकी यूजलेस है, हैं, अगर आपने सैडल से लगाया या बैक कैरी लगाया, अगर जूस का है तो ठीक है, बकर अगर अननेसेसरी जो भी एक्सेसरी है जो आपने बिना मतलब के लगाई है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, उसके बाइक के ऊपर वो एक किस्म का बोझ है, ठीक है। अगर आपने कोई कपड़ा पहना है जो आपके कि आपके काम आने वाला है, या ऐसी एक्सेसरी जो आपने खुद अपने बदन पर ऐसे लगा ली है जो आपके काम की नहीं है, तो आपको खुद अपने बदन पर बोझ लगेगी। तो उसी तरह से बाइक का भी वही हिसाब है भाई। तो ऐसी एक्सेसरी जो आपने बिना फालतू बाइक पर वजन बढ़ाया हुआ है, तो वो एक लो माइलेज का कारण बन सकता है। और नेक्स्ट जो कारण है भाई, अगर इसके फ्यूल इंजेक्टर इसमें डर्ट है, ख़राब है उसके, या उसके जो इंजेक्टर्स हैं, ठीक है, वो साफ है, सर्विस उनकी अच्छी से नहीं हुई है, तो वो उनका जो फ्यूल का फ्लो है उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें जब आप सर्विस सेंटर में जाते हैं, उनको बोलें कि इसके इंजेक्टर्स आप चेक करें, क्या उनका जो फ्यूल का फ्लो है वो सही है, क्योंकि अगर वो फ्लो सही नहीं है तो लो माइलेज का ये बहुत बड़ा कारण है। और नेक्स्ट जो भाई जो लो माइलेज का कारण है वही चेन। चेन में अगर टेंशन, उसमें जो तनाव है वो ज़्यादा है, तब भी लो माइलेज का कारण है। अगर वो कम है तो तब भी लो माइलेज का कारण है। अगर वो ज़्यादा है तब भी आपकी जो आवाज़ है ना बाइक की चलने पे ज़्यादा आएगी। अगर उसमें टेंशन कम है, तनाव कम है, तो तब भी आपकी बाइक आवाज़ ज़्यादा करेगी। बिल्कुल प्रॉपर इसकी उसमें टेंशन रहनी चाहिए, ठीक है, और इसकी अलाइनमेंट भी ना बिगड़े। कई बार आप ऐसे मिस्त्री के पास, टेक्नीशियन के पास चले जाते हैं जिसको पता नहीं है मेटियर के बारे में, क्योंकि इसकी अलाइनमेंट भी बिगड़ जाती है चेन टाइट करते, जिसको अगर नॉलेज नहीं है, ठीक है, क्यों एलन की से इसकी जो अलाइनमेंट है वो आप कम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर और दूसरा अगर चेन आपका ठीक है, टेंशन ठीक है, और उसको लूप भी करके रखें, ठीक है, लूप करके रखें उसको, टेंशन बराबर रखें, आपको माइलेज अच्छी मिलेगी। और नेक्स्ट बड़ा कारण है कि एरोडायनेमिक्स बाइक के खराब ना करें, बिना विदाउट फालतू ऐसी चीज़ ना लगाएं बाइक में जिससे उसके एरोडायनेमिक्स खराब हो, जैसे कि उसको हवा में अड़चन ना आए। जैसे आप बाइक में चलते हो, अगर इतनी विंडशील्ड रिकमेंडेड है तो इतनी ही लगाएं, इतनी बड़ी ना लगाएं। एक मैंने देखा है बाइक में, आप पिक्चर में देख रहे होंगे, उस छत के ऊपर ऐसे पूरा बारिश और धूप से बचने के लिए, ठीक है, मैं मानता हूँ, बट वही वो इतना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करेगी बाइक की माइलेज में,
मैं कहता हूं कि अगर वो बाइक 30 की माइलेज देती है तो 20 भी आ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट कॉर्नर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जहां से फ्यूल भरवाते हैं अपनी बाइक में वो अच्छी रिप्यूटेड पंप से भरवाएं, ठीक है। ऐसा तेल ना अपनी बाइक में डलवाएं जिसमें मिट्टी का तेल मिला हो, इंडिया में काफ़ी भाई जगह में होता है, ठीक है, और कहीं जगह तो पानी मिक्स मिला हुआ है। अभी बरसातों के दिनों में वो जानबूझ के भी नहीं करते, वो पानी नीचे टैंक में चला जाता है और मिक्स हो जाता है और बाद में वही बाइकों में भरते हैं, गाड़ियों में भरा जाता है, ठीक है, और बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लो माइलेज तो मिलेगी, गाड़ी का भी सत्यानाश होगा। तो हमेशा अपनी बाइक में फ्यूल वहाँ से भरवाएं जो अच्छे एक रेप्यूटेड पंप हो। तो रेगुलरली एक ही पंप चूज़ करें अच्छा जो है, और उस टैंक फिल करवा लें अगर आप ही बाइक चला रहे हैं वही, ठीक है ना। तो मेरा तो सिद्धांत ये है कि जब भी बाइक आप पंप पे ले जाओ टॉपअप करवा लो, अच्छे पंप पे एक भी जाओ चाहे दूर हो आपके घर से, तो टॉपअप करवा के रखो, क्योंकि आप नहीं चलवाना, चाहे 50-50 का 50 बार डलवाओ चाहे 1500 रुपये का एक बार डलवाओ। तो मैं मानता हूँ कि पूरा फुल करके रखो टैंक की और अच्छे पंप से डलवाओ फ्यूल, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट कर लो भाई, अगर आपकी बाइक की ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, इग्निशन टाइमिंग इसकी अच्छी नहीं है, इसकी ये बॉल की एडजस्टमेंट है वो ठीक नहीं है ना, आप जो मर्जी ठीक कर लो, ऑयल अच्छा डाल लो, सारा कुछ फिल्टर ठीक करा लो, आपकी माइलेज नहीं मिलेगी, आपको वही 25-28 की माइलेज मिलने वाली है। इसकी जो टाइमिंग है, ठीक है, इग्निशन टाइमिंग और इसके जो बॉल की एडजस्टमेंट है ना, ठीक है, वो टैपेट साउंड टैपेट वो 5000 किलोमीटर के बाद वो टैपेट एडजस्ट करवाते हैं, जिन्होंने नहीं करवाई वो जाके करवाएं, ठीक है। टैपेट एडजस्ट होती है, एक टैप 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 की साउंड आएगी, अगर वो नहीं करवाए ना तो इंजन से टैप 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 आप कान लगा के इंजन में सुनना हो साउंड आएगी आपको, तो एडजस्ट करवाएं, ये होती है। ऊपर वाली एक कैप खोल के करते हैं हर एक बाइक में हो, जब न्यू बाइक से जब आप 5 किलोमीटर होती है तो सर्विस सेंटर में लेके जाते हो, करते हैं, अगर कईयों ने नहीं करवाई है तो वो करवा लें, ठीक है। तो ये 10 कारण है भाई, ठीक है, अगर इनको मैं कहता हूँ कि आपकी बाइक में इनमें से कोई कारण आपकी बाइक में भी है तो उसको एड्रेस करें, आपको अच्छी माइलेज मिलेगी। तो भाई आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता हूँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं अपने अगले ऐसे न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।